नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। जब हमारी इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर आपने डॉक्टर्स के बारे में ये सुना होगा कि वो मरीज को देखने के लिए, समय पे ना पहुंचने के लिए कई बहाने बना देते हैं और मरीज की जान भी चली जाती है। लेकिन अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक मरीज ने दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुँच करके एक ऐसे मरीज को बचा लिया कि अगर वो थोड़ी सी भी देर उसको खो जाती तो वो शायद मरीज अपनी जिंदगी खो देता। बहुत बार ऐसा होता है। और एक और बात है, हम अक्सर जो एम्बुलेंस होती हैं उनको रास्ता दे देते हैं कि इसमें कोई मरीज जा रहा है, ये समय से डॉक्टर्स के पास पहुंच जाए, उनके हाथों में चला जाए ताकि इसकी जान बच जाए। ऐसा ही एक मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मामला बेंगलोर का है, वाक्या पिछले महीने का है, 30 अगस्त का। यहाँ पर जिस डॉक्टर की बात हो रही है उनका नाम है डॉक्टर गोविंदा नंद कुमार। ये एक मरीज का उन्हें ऑपरेशन करना था और जहाँ वो जाम में खड़े हैं वहाँ से हॉस्पिटल करीब 3 किलोमीटर दूर था। चूँकि वो इस समय जाम में फंसे हुए थे और हॉस्पिटल नहीं पहुँचने की स्थिति में थे, और अगर वो समय से नहीं पहुँचेंगे तो उनका मरीज अपनी जान खो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उन्होंने क्या करा, वो अपनी गाड़ी छोड़ करके और भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जाम में फंसे होते हैं, गाड़ी की उन्हें परवाह नहीं होती। सिर्फ उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं किसी तरीके से अपने मरीज को बचा लूँ। 30 अगस्त को बेंगलुरु के सरजापुर के हॉस्पिटल मणिपाल में एक सर्जरी थी जो उन्हें करनी थी। ऑलरेडी वो प्लान थी कि उन्हें ये सर्जरी करनी है। एमरजेंसी में एक महिला मरीज की पित्ताशय की थैली की सर्जरी होनी थी। इसके लिए समय तय कर दिया गया था, सुबह 10 बजे का हॉस्पिटल पहुँचना था। आप ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर जो है कुछ देर पहले क्यों नहीं पहुँच सकता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को अंदाज नहीं होता रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितना प्रेशर मिलेगा। अब डॉक्टर भी अपने घर से निकलते हैं, यानी कि निकल चुके थे वो, लेकिन जब 3 किलोमीटर का रास्ता बचता है तो वो जाम में फंस जाते हैं। अब ये जो जाम है, कई बार ऐसा होता है कि जाम खुलने के बजाय वो और बढ़ता चला जाता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो ख़त्म होने के बजाय बढ़ता चला जाता है। उन्होंने गूगल मैप खोला फ़ोन पर और उन्होंने अंदाज लगाया उसको देख करके कि कितना समय लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो गूगल मैप से ये पता चला कि से कम 45 मिनट तो उन्हें लग ही जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा भी लग जा सकता है। और उन्होंने ये सोचा कि हॉस्पिटल सिर्फ 3 किलोमीटर ही तो दूर है, इसके लिए वो रनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो मॉर्निंग में रनिंग करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं। तो उन्होंने गूगल मैप लगाया और कार से बाहर निकले और दौड़ना शुरू कर दिया। समय पे वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्होंने एक सफल सर्जरी की। दोस्तों, खबरें मैं आपसे काफ़ी शेयर करती रहती हूँ, हर तरह की पॉलिटिकल खबरें, क्राइम की खबरें या फिर और किससे कहानियाँ, लेकिन ये खबर मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम अक्सर डॉक्टर्स को खोजते रहते हैं। अभी हमने पैंडेमिक झेला है, इस दौरान भी हमने जम करके डॉक्टर्स को कोसा, लेकिन अपवाद होता है सब जगह, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। और ज़्यादातर डॉक्टर ये चाहते हैं कि उनका नाम खराब ना हो, उनके हाथ से जो मरीज है वो किस तरीके से बच जाए, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं,
बचाने वाला ईश्वर होता है। तो जिस तरीके से ये डॉक्टर दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये किसी भगवान से कम नहीं थे, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया मीडिया से बात करते हुए कि किस तरीके से उन्होंने इस मरीज को बचा लिया। दरअसल वो अपने इस एफर्ट से अंदर से बेहद खुश थे, क्योंकि अगर वो उस दिन जाम में फंसे रहते, हो सकता है कि वो उनकी जो पिताश्य में जो थैली होती है उसका फटने का डर होता है, और अगर वो बस्ट हो जाए तो फिर मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसलिए उन्हें ये लगा कि मुझे किसी भी तरीके से पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल। तो मैं ये भी एक चीज़ सोच रही हूँ कि जब हम एम्बुलेंस को जगह देते हैं निकलने की, मतलब मैं अक्सर देती हूँ, और भी मैंने बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में लोग देखे हैं जो एम्बुलेंस को जगह दे देते हैं और खुद अपनी गाड़ी एक तरफ कर लेते हैं कि पहले एम्बुलेंस निकल जाए। तो ये डॉक्टर की जो मैंने आज कहानी आपके साथ शेयर की है, वो मैंने इसलिए शेयर की है कि अगर आप किसी डॉक्टर को जल्दी में देखें और अगर वो ये कहे कि मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे प्लीज़ इस जाम में से निकालिए, तो आप उसको वहाँ से निकालने का रास्ता ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर वो ज़रा भी देर से पहुंचेगा तो हो सकता है किसी की जान चली जाए। और किसी की जान जाने का मतलब होता है कि पूरा एक परिवार प्रभावित होता है। तो आप समझिए कि आप जाम में हैं, खड़े हुए हैं, ऊपर से गर्मी है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ उस डॉक्टर को ज़रूर देखिए जिसे किसी की जान बचानी है, और जान की कीमत आपकी उस थोड़े से जाम में आप फंसे हुए हैं, जो आपको गर्मी फील हो रही है, जो आपको गुस्सा आ रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गुस्से को कंट्रोल करें, डॉक्टर को जाने दें। और मैं तो ये चाहूँगी कि सब लोग ये सोचें, ये प्रण लेके, अगर कोई डॉक्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका मरीज वेट कर रहा है उसकी, तो आप उसको ज़रूर जाने दें। दोस्तों, ये कहानी वैसे है कुछ भी नहीं, ना ये खबर है, ना ये कहानी है, ना ये कोई ऐसी जानकारी परक बात है, लेकिन मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जान की बात है, किसी की ज़िंदगी की बात है। और कभी भी आप सड़क से गुजर रहे हों, कोई डॉक्टर अगर ये कह रहा हो कि उसका मरीज़ वेट कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर जाने दें, क्योंकि उसके वहाँ से जाम में से निकलने से किसी की जान बच सकती है। आप थोड़ी देर इंतज़ार करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसको जो डॉक्टर को ज़रूर जाने दें। मैं एक बार फिर से आपसे वही बात कहूँगी कि आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों देखिए, लाइक करने में, लाइक का बटन दबाने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को कितना प्यार करते हैं, उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं आप मुझे। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता, आप जो घंटी लगी होती है उसको आप दबा दीजिए, आपको सबसे पहले जो मेरा वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको मिलेगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आपके पास से जब आप सड़क पे हों, जब आप जाम में हों, कोई डॉक्टर अगर गुजर रहा हो तो उसको पहले जाने दें। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।